नमस्कार साथियों, एक दो दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी पढ़ाई से संबंधित। तो आज मैंने भारत में व्याप्त कृषि समस्याएं जो भी हैं उस बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार का एक डाटा है जिसके अनुसार 2013 से हर साल लगभग 12,000 किसान प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि कृषि से संबंधित बहुत सारी योजनाएं लाई गई, उसमें उनकी आय को बढ़ाने का बात भी की जा रही है। कृषि से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सब योजनाएं आईं जो कि 2016 से लागू हुई। और इस ये सारी योजनाएं उनकी उत्पादकता को बढ़ाने पर बात नहीं करता, जबकि उनकी जो आय है उसको दुगुना करने की बात करता है। ये सारी जो भी योजनाएं 2016 के बाद से लॉन्च हुई, इसके पहले जो भी चीज़ें थीं, सरकार जो भी कदम उठाती थी उसका लक्ष्य था कि उत्पादकता बढ़ाई जाए। ठीक है, अब कृषि क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उस पर बात कर लें। पहला है पर्याप्त और पर्याप्त नीति। पहले की जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया था, उनकी जो नीतियां थी, जो योजना थी, उसमें कुछ कमी थी। कमी ये थी कि वो लोग उत्पादकता को बढ़ाने को ध्यान देते थे, जबकि किसानों की आय के बारे में नहीं सोचते थे। उत्पादकता बढ़ने से मार्केट में ज़्यादा सामान चली जाएगी तो उसके दाम वैसे भी गिर जाएंगे। जब ज़्यादा कोई भी चीज़ रहेगी और सप्लाई डिमांड लगभग बराबर रहेगी तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए जो वर्तमान सरकार है उसने इससे थोड़ा सा आगे हटकर किसानों की आय को दोगुना या बढ़ाने की बात की। ऋण की समस्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कृषि क्षेत्र में बैंकों से लोन ऋण लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी। बैंक भी ये लोन देने से इसलिए कतराते थे क्योंकि अगर लोन दिया और फसल बर्बाद हो गई तो किसान बेचारा कहाँ से चुकता करेगा। उसके बाद से अब जब बैंक से नहीं मिलता तो किसान क्या करते, जो आसपास के साहूकार होते उनसे कर्ज लेते, और जो उनकी ब्याज दरें थी वो काफ़ी ऊंची रहती थी। एक बार अगर इनके जाल में, साहूकारों के जाल में अगर किसान फंस गया तो शायद उसकी भूमि भी बिक जाती है। तीसरा है कृषि जोतों का जो भारत में जो कृषि जोत हैं औसत ज़्यादातर किसानों के पास काफ़ी छोटे हैं। कुछ बड़े किसान भी हैं और इन छोटे जोत जो हैं वो छोटे होने के कारण जो उत्पादकता है प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ वो कम हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो जनसंख्या दबाव है, जनसंख्या का दबाव है भारत में, फिर उसके बाद से कृषि में प्रचंड बेरोजगारी है। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब
कि कहीं तीन आदमी अगर काम कर सकते हैं तो भी उतनी ही आउटपुट आएगी, लेकिन बेरोजगारी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पांच आदमी लगे हुए हैं, जिसमें से दो आदमी के निकल जाने से भी कृषि उत्पादकता पर कमी नहीं पड़ेगी। इस तरह की बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, प्रचंड बेरोजगारी, जहाँ पर जितने आदमी चाहिए उससे अधिक आदमी काम कर रहे हैं मजबूरी बस, क्योंकि उनको दूसरा कोई काम नहीं मिल पा रहा है। तो जनसंख्या दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, फिर उसके बाद से वैकल्पिक उपयोग के लिए भूमि, जो कृषि भूमि है उनका प्रयोग, जो कृषि भूमि है उन पर इंडस्ट्री, कारखाने, ये सब लगाए जा रहे हैं, जिससे जूतों का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। श्रम लागत जो है, कृषि बीजों के मूल्य, खाद, कीटनाशक, इन सबों के मूल्यों से कृषि के जो लागत है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। पहले क्या होता था, ऑर्गेनिक खेती या घर की ही खाद होती थी, कीटनाशक का इतना प्रयोग नहीं होता था, इसलिए उनके जो इनपुट थे, लागत जो थी वो कम होती थी। लेकिन आजकल जो बीज हैं वो भी जो हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज हैं उनके दाम भी ज़्यादा हैं और उन्हें ख़रीदना ही पड़ता है, उन्हें घर तो कोई उगा नहीं सकता, तो इसलिए इससे कृषि की जो लागत है वो ज़्यादा बढ़ जा रही है। पांचवा जो है, भारत में कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर है, और मानसून पर निर्भर होने के कारण आजकल तो वैश्विक जो जलवायु है उसमें परिवर्तन होने से जो वर्षा की मात्रा है, अब वैश्विक जलवायु में परिवर्तन होने से जो मानसून डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कहीं सूखा है, कहीं बाढ़ ही आ जा रही है, तो इसलिए इससे भी मानसून पर निर्भर होने से भी कृषि जो भारतीय कृषि है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है, और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ेगी जो कृषि उत्पादकता है वो कम होती जाएगी, और जिससे खाद्य जो संकट है वो बढ़ेगा, पूरे विश्व लेवल पे बढ़ेगा। कृषि जो भी उत्पादकता है उनका बाज़ार के साथ सही से समन्वय नहीं है, जिससे किसान तो बीज उगा लेता, फसल उगा लेता है, लेकिन उसे कहाँ बेचे और किस समय बेचे ये बड़ी दुविधा होती है। आजकल ई नैम जैसी एक पोर्टल आया है, उस पर कृषि उत्पादकता का एक डिजिटल मार्केट है, कृषि जो भी उत्पाद हैं उनको इस पर बेचा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि हमारे वहाँ के किसान अशिक्षित हैं,
जिससे इसे प्रयोग करने में या इसका उपयोग करने में काफ़ी उन्हें दिक्कत हो सकता है और दिक्कत होती ही है। तो ये रहा आज का भारत में कृषि से जो समस्याएं हैं उसके बारे में डिस्कस। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।